Hello students, welcome to Angan Public School. Hope you all are doing great. Student, in today's live lecture of ENB, as you know, we had started chapter number 12. So let's get start with video lecture. What if this will be finished? A bus journey. Chapter ka naam hai, what if this will be finished? A bus journey. Ek bus journey ki baat ki hai. Today we were going on a school trip to the Adalat Stepwell. Theek hai, aaj hum स्कूल ट्रिप पे जा रहे हैं अदालत स्टेपवेल की तरफ, जो हमारे अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है, अबाउट 18 किलोमीटर फ्रॉम अहमदाबाद. वी बिगेन काउंटिंग द व्हीकल्स ऑन द रोड. सम ऑफ अस काउंटेड द बाइसिकल, अदर काउंटेड द बसेस, कार्स एंड मोटरसाइकिल. अब्राहम, हु वॉज काउंटिंग बाइसिकल, सून गॉट बोर्ड. देर वर हार्डली एनी बाइसिकल ऑन दिस हाईवे. ठीक है, हमने जैसे ही हमने हमारी जर्नी स्टार्ट की, हम जितने भी रोड पे व्हीकल्स हैं हम काउंट कर रहे थे. कुछ हमने बाइसिकल काउंट की, कुछ हमने बसेस काउंट की, कुछ कार काउंट की, कुछ मोटरसाइकिल काउंट की. अब्राहम हु वॉज काउंटिंग बाइसिकल, और उसमें से जो अब्राहम था वो बाइसिकल काउंट कर रहा था. थोड़ी देर में वो बोर हो गया क्योंकि हाईवे पे बहुत ही कम बाइसिकल उसको देखने को मिले. ड्राइवर सडनली ब्रेक एट द रेड लाइट सिग्नल. ड्राइवर ने एकदम सडनली रेड लाइट सिग्नल पे ब्रेक मारा. इट वॉज अ बिग क्रॉसिंग एंड वी कुड सी द ट्रैफिक लाइंड अप ऑन ऑल साइड. हर जगह पे ट्रैफिक ही ट्रैफिक था. देर वॉज नॉइस ऑफ हॉन्किंग, बहुत ज़्यादा हॉर्न की आवाज़ आ रही थी एंड स्मोक व्हीकल से निकल रहा था. मे बी दैट इज वाई अ लिटल बॉय ने रिक्शा. इसी वजह से शायद वो जो रिक्शा में एक लड़का बैठा था उसको बहुत ज़्यादा खांसी आ रही थी, क्योंकि जितना भी स्मोक था वो सारा उसके ब्रीथ के साथ साथ में अंदर जा रहा था. आई स्मेल समथिंग फैमिलियर. मुझे भी ऐसी स्मेल एकदम फैमिलियर, मतलब जानी पहचानी लग रही थी. आई रिमेंबर दैट हिज स्मेल. दिस स्मेल ऑल्सो केम फ्रॉम माई फादर्स ट्रैक्टर इन द विलेज. और मेरे को याद आया कि ये जो स्मेल है वो मेरे पापा के ट्रैक्टर में से आती थी जो हमारे विलेज में है. ओके, सो Today we were going on a school trip to the Adalat Stepwell, about 18 km from Ahmedabad. We began counting the vehicles on the road. Some of us counted the bicycle, others counted the buses, cars and motorcycle. Abraham, who was counting bicycle, soon got bored. There were hardly any bicycle on this highway. The driver suddenly braked at the red light signal. It was a big crossing and we could see the traffic lined up on all sides. There was noise of honking and smoke coming out of the vehicle. Maybe that is why a little boy in a rickshaw was coughing so much. I smell something familiar. I remember that this smell also came from my father's tractor in the village. Okay, now second page number 111. At the petrol pump, after some time our bus stopped at the petrol pump. There was a long queue. It seemed as if we would have a long wait. We all got down from the bus and started looking around the petrol pump. We saw many large board and posters. Okay, petrol pump pe jo log jaate hai khade hote hai, theek hai, after some time hamari jo bus hai wo petrol pump pe jaake ruk jati hai. Wahan bahut lambi line lagi hai, aisa lag raha hai कि हमें बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि देर वॉज अ लॉन्ग क्यू. वी ऑल गॉट डाउन फ्रॉम द बस. हम सब लोग बस से नीचे उतर गए और हमने आसपास पेट्रोल पंप के देखना स्टार्ट कर दिया. हमने बहुत बड़े बड़े पोस्टर्स वहाँ पे देखे थे. ओके, नाउ पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर, सेव इट फॉर चिल्ड्रन. आपको जैसे कि पता है पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो ये हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है. सो हमारे चिल्ड्रंस के लिए हमें इसको थोड़ा बचा के रखना है. मेक एवरी ड्रॉप गो अ लॉन्ग वे. आपको एक एक ड्रॉप, आपका जो एक एक ड्रॉप है वो आपको बहुत लंबे रास्ते तक लेके जा सकता है, ठीक है, आपको बचा के रखना है. स्विच ऑफ द इंजन व्हेन यू स्टॉप द कार. आपको जब भी कहीं पे सिग्नल पे खड़े हो, कहीं पे भी खड़े हो, तो आपको आपका इंजन बंद कर देना जब भी आप अपनी कार को रोक रहे हो, ठीक है. आपको चालू रखना नहीं है, चालू रखोगे तो पेट्रोल वहीं पे ही खत्म हो जाएगा. डेट 6/6/2019 का रेट है जो पेट्रोल का यहाँ पे बताया है. पेट्रोल और डीजल का 68.64 लीटर पर लीटर पेट्रोल एंड 68.25 पर लीटर डीजल. ओके, ये इसके लीटर पर लीटर के प्राइसेस है पेट्रोल और डीजल के, जो 2019 का ये है, जो 2019 में था. वी कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई इट वॉज रिटर्न दैट पेट्रोल एंड डीजल विल नॉट लास्ट फॉर एवर. वी थॉट टू आस्क द अंकल हु वर्क्स एट द पेट्रोल पंप. हमें पता नहीं चल रहा है कि ऐसा क्यों लिखा है, पेट्रोल और डीजल हमेशा रहने वाला नहीं है. हमने सोचा कि हमें वो अंकल से ही पूछना चाहिए जो पेट्रोल पंप पे काम करते हैं. ओके,
सो यहीं तक ही हमने हमारे लेक्चर में किया था स्टूडेंट्स, और मैंने आपको बता देती हूँ आपके होमवर्क में क्या करना है। आपको इसमें से हार्ड वर्ड्स फाइंड करने, एटलीस्ट 10 हार्ड वर्ड्स आपको फाइंड करने, एंड यू हैव टू नोट डाउन इन योर नोटबुक ऑफ ENB, ठीक है? आपको ENB की नोटबुक में वो हार्ड वर्ड्स लिखने हैं, ओके? और जैसे ही हम आगे से कंटिन्यू करेंगे, तब मैं आपको सारा, जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको हार्ड वर्ड्स लिखवाऊंगी, पर अभी आपको खुद से भी हार्ड वर्ड्स लिखने हैं। ये आपका होमवर्क है, ठीक है? ये आपको पेज नंबर 112 तक आपको मिनिमम 10 हार्ड वर्ड्स, आपको एटलीस्ट 10 हार्ड वर्ड्स आपको फाइंड करने हैं एंड आपको लिखने हैं, ओके स्टूडेंट्स? सो आज का हमारा जो चैप्टर स्टार्ट हमने किया है, चैप्टर नंबर 12, जो आपके सेमेस्टर 2 का पार्ट है, ठीक है? यहाँ से आपके सेमेस्टर 2 का पार्ट शुरू हो रहा है, ओके? और ये हमारा आज हमने स्टार्ट किया था, ठीक है? तो सेमेस्टर 2 से 12 चैप्टर से हम स्टार्ट कर रहे हैं, एंड नेक्स्ट लेक्चर जब हम ENB का लेक्चर लेंगे आफ्टर दिवाली, तब हम इसे कंटिन्यू करेंगे, ओके स्टूडेंट्स? सो टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग।